हेलो एवरीवन, iqbox डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फरवरी के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपनी डेली करंट अफेयर्स सीरीज में कवर कर चुका हूँ। ये एक तरह का रिवीजन वीडियो है, इसलिए इस वीडियो की स्पीड थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे। एक्सप्लेन उतना नहीं करूँगा जितना डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। 50 क्वेश्चंस हम देखेंगे आज, और 50 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कम से कम टाइम में आपको डिलीवर करना है। तो एक्सप्लेनेशन का टाइम जो है वो मैंने कम कर दिया हुआ है, और थोड़ा सा बोलने की स्पीड भी ज़्यादा तेज़ रहेगी, ताकि वो मिनिमम टाइम में आपको सारी क्वेश्चंस जो हैं रिवीजन हो सकें। ये इस तरह से एवरी वीक वीडियो आते हैं, और हर 15 दिन में एक वीडियो आएगा जो 100 क्वेश्चंस का होगा। नो डाउट कल तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आपके लिए। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो का PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक के सारे PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मेरा नाम है विनीत पांडे। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी परमाणु टेक सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। परमाणु ऊर्जा का हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या योगदान रहा है, उसको दिखाने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक तपेदिक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी भारत ने जो है 2025 तक तपेदिक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी फादर फर्नॉइस लेबोर्डे को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये एक पादरी हैं बंगाल के, और इन्होंने जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी काम किया है। इनकी एक NGO है जिसके माध्यम से इन्होंने उनके लिए काफ़ी काम किया है, और इन्हें अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कमेंट में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जीरो टॉलरेंस डे फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कब मनाया गया? तो अभी 6 फरवरी को जीरो टॉलरेंस डे फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया गया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, उनमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ये रिवीजन वीडियो है, तो एक वीडियो से पूरे वीक का करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो आने ही हैं करंट अफेयर्स के, और नो डाउट आप देखेंगे कि 95% क्वेश्चन मेरे इन्हीं वीडियो से जो है कवर हो जाएंगे, क्वेश्चंस जो है इन्हीं वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेट्रो कौन सा है जहाँ माताओं को स्तनपान कराने के लिए अलग से पॉट्स बनाए गए हैं? तो अभी कोच्ची मेट्रो में स्तनपान कराने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता उच्च न्यायालय ने सर्किट पीठ की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? तो अभी जलपाईगुड़ी में कोलकाता उच्च न्यायालय का एक नया सर्किट पीठ स्थापित किया जाएगा। अंडमान निकोबार में ऑलरेडी है एक पोर्ट ब्लेयर में। ये तीन जो ऑप्शन आप BCD देख रहे हैं, इनको भी चुना जाना था। ये चार जगहों का नाम प्रस्तावित था, जिनमें से जलपाईगुड़ी को फाइनल कर दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ग्रैनी दक्षिणायणी का संबंध किससे है? ये एक हथिनी थी जिसका हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका उपयोग पूजा पाठ के लिए भी किया जाता था। ये केरल में थी और इसका अभी निधन हो गया, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी श्री शैलेश को अल्पसंख्यक मामलों का नया सचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नवविवाहित दुल्हन को सोना देने के लिए अरुंधति नामक योजना की शुरुआत की है? तो अभी असम राज्य ने गरीब महिलाओं को, बेटियों को जिनकी नवविवाहिता जो होंगी, उनको 1 तोला सोना जो है राज्य सरकार देगी उनके विवाह के समय पे। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश से 2 मिसाइल रक्षा प्रणाली LAICAM और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट खरीद रहा है? तो अभी भारत अमेरिका से ये 2 रक्षा प्रणाली खरीद रहा है। ये जो है जो SPG है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सिक्योरिटी में जो लगी हुई है, उनको ये दिया जाएगा। ये अपने पर्सनल सिक्योरिटी में इनका यूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 36। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1800 जनसेवकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी 1800 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को प्रशिक्षित करेगा भारत बांग्लादेश के। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो अभी प्रधानमंत्री पिछले वीक जो है अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा के दौरे पे थे, तो अभी अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की नींव रखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रधानमंत्री ने सेला टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में ही जो है सेला टनल की आधारशिला भी रखी गई है। ये 687 करोड़ रुपए की लागत से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनने वाला एक पुल होगा जो तवांग और वेस्ट कमांड जिले को जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिवार्मिंग डे कब मनाया गया? नेशनल डिवार्मिंग डे कब मनाया गया? 8 फरवरी को। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व दाल दिवस कब मनाया गया? विश्व दाल दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस PN भगवती अप्रोच, भगवतीज अप्रोच किसने लिखी है? ये लिखी है मूलचंद शर्मा ने। ऑप्शन डी इसका सही होगा। PN भगवती PIL के जनक माने जाते हैं और इनकी जो है इनके डिसीजंस कैसे थे, क्या इनका तरीका रहता था, उस पर बेस्ड ये किताब लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट चालू करने की घोषणा की है? तो अभी केंद्र सरकार के साथ गुजरात सरकार ने जो है एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक स्कीम चालू की है। कहाँ है एशियाई शेर? गुजरात के गिर के जंगलों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जल और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अब जल और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी मैसिडोनिया ने नाटो में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। मैसिडोनिया अभी न्यूज़ में क्यों है? मैसिडोनिया ने जो है अपना नाम परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव रखा है यूनाइटेड नेशन में। अभी इसका नाम जो है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया हो जाएगा। अभी इसने ऐसा प्रस्ताव रखा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है, क्या आप नाटो का फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बता सकते हैं? मैसिडोनिया नाटो का 30th मेंबर होगा, नाटो का फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताइए। किस राज्य सरकार ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जीरो फैटेलिटी प्लान शुरू किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जीरो फैटेलिटी प्लान की शुरुआत की है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो अभी भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम ने इजराइल का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार डैन डेविड पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने क्रेमिका फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी हरसिमरत कौर बादल ने क्रेमिका फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मरीन प्रदूषण को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी मरीन प्रदूषण को कम करने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ समझौता किया। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सारथी संदेश वाहनी गाड़ी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो सारथी संदेश वाहनी गाड़ी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। ये जो है लोगों को परिवार नियोजन से रिलेटेड जो है जानकारियाँ प्रोवाइड करेगी, उन्हें वीडियो के माध्यम से, पंपलेट्स के माध्यम से, कुछ जो है कि डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से बताया जाएगा, परिवार नियोजन से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो इस गाड़ी का नाम क्या होगा? संदेश वाहनी, सारथी संदेश वाहनी, और किसने शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश की अदालत ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो अभी संयुक्त अरब अमीरात ने हिंदी को अपनी सरकारी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मिलित किया है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अच्छा, तीसरी भाषा है तो पहली दो कौन सी हैं, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट में लिख के बताइए पहली दो कौन सी हैं। मैंने बताया था करंट अफेयर्स की सीरीज में, यदि याद हो तो कमेंट में लिख के बताइए, अदरवाइज गूगल पे सर्च करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन 2019 कहां शुरू किया गया? तो अभी बहुराष्ट्रीय अमन अभ्यास, अमन 2019 समुद्री अभ्यास कराची में शुरू किया गया। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में है। अच्छा, अभी पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ मतभेद चल रहे हैं पुलवामा अटैक को लेके, क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? कमेंट में लिख के बताइए।
अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म निर्माता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी दीपा मेहता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें इंडो कैनेडियन फिल्म एसोसिएशन ने ये सम्मानित किया है। दीपा मेहता एक कैनेडियन जो है कि फिल्म मेकर हैं और इन्हें अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया का सहायक कोच किसे बनाया गया है? तो अभी रिकी पोंटिंग को 2019 के वर्ल्ड कप के लिए सहायक कोच बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया का। तो इनके अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सहायक कोच है। मेन कोच कौन है? मेन कोच है जस्टिन लैंगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभी अब्दुल फतेह अल सीसी को अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। बुरी बुटू येलो त्यौहार कहाँ मनाया गया? ये त्यौहार अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है जिसे फसल की कटाई के उपलक्ष्य में और बसंत के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। निशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति है जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है, मनाती है। तो ये कौन सा जनजाति मनाती है? निशी जनजाति मनाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अभी नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की आधारशिला रखी है, क्योंकि पिछले वर्ष एक सर्वे हुआ था जिसमें 38% मौतें कैंसर के वजह से हुई थी हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है जिससे जो है वहाँ का जल भी प्रदूषित हो रहा है, हवा भी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा वहाँ के लोग जो है फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा कर रहे हैं खेती में, और ये कारण भी है वहाँ कैंसर के रेशियो जो है पेशेंट्स का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अभ्यास तोपची कहाँ शुरू किया? तो अभी अभ्यास तोपची जो है महाराष्ट्र के नासिक में शुरू किया गया। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय ने किस देश के साथ बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के समझौते पर सहमति दे दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रालय ने फिनलैंड के साथ जो है अंतरिक्ष के सौहार्दपूर्ण उपयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी कोबरा गोल्ड अभ्यास आयोजित किया गया थाईलैंड में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इसको थाईलैंड और अमेरिका मिलकर आयोजित करते हैं और कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया किसने जीता है? तो अभी सिद्धार्थ लाल जो कि SR ग्रुप के, माफ कीजिएगा SR ग्रुप नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ, आप कमेंट में लिख के बताइए यदि आपको पता है। सिद्धार्थ लाल को भी ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप कमेंट में लिख के बताइए ये किस कंपनी के CEO एंड MD हैं, कमेंट में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन हैं 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। सही जवाब होगा इसका, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की शुरुआत हुई है 13 फरवरी से। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। और इसका विषय क्या होगा? उत्पादकता और स्थिरता के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था, सर्कुलर अर्थव्यवस्था को अपनाया जाएगा। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इसका जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जीरो फर्टिलिटी प्लान शुरू किया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन क्या होगा सही? दिल्ली सरकार। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 3 दिवसीय कृषि कुंभ आयोजित किया गया? तो अभी बिहार राज्य में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है। अच्छा, कुंभ की बात हो रही तो अभी कुंभ कहाँ पर चल रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, 4 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के स्टेडियम का नाम PA संगमा के नाम पर रख दिया गया है? तो अभी मेघालय के स्टेडियम का नाम जो है PA संगमा के नाम पर रख दिया गया है। ये मेघालय के एक पूर्व जो है कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, और इनका हाल ही में कुछ समय पहले निधन हो गया था और इन्हीं के नाम पर अभी स्टेडियम का नाम रखा गया है। हाल ही में NTPC ने किस बैंक के साथ 5,000 करोड़ का ऋण समझौता किया है? तो NTPC ने SBI के साथ जो है 5,000 करोड़ का समझौता किया है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड गर्ल इन साइंस कब मनाया गया? महिलाओं का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है उसके लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया गया, और ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 11 फरवरी को। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अभी इसका उद्घाटन किया गया M. वेंकैया नायडू। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? टेरी का फुल फॉर्म क्या होगा? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और कहाँ किया गया इसका इनॉग्रेशन? इसका इनॉग्रेशन किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो अभी
पांचवा अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन शुरू किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसका ऑर्गेनाइज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइज करता है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अभी वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है? कमेंट में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद सिद्धा यूनानी होम्योपैथी दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल ई औषधि किसने लॉन्च किया है? तो अभी जो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक ने, उन्होंने इस ई पोर्टल का शुभारंभ किया है। ई औषधि नाम है इसका। अच्छा, आयुष की बात होती है तो कई बार आयुष का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ए वाई यू एस एच, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। हमेशा याद रखिएगा। लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अच्छा, ये सम्मेलन आयोजित तो किया गया पर ये सम्मेलन है किसका, किसका ग्रुप है ये? तो ये जो है कि जो वकील और जज होते हैं उनका एक ग्रुप है, और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर किसे घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर घोषित किया गया है धूमिल तेंदुआ को। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्यों मनाया गया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन रेडियो की शुरुआत 1946 में 13 फरवरी के दिन ही हुई थी। अब लास्ट क्वेश्चन, महिला सरपंचों का स्वच्छ शक्ति कन्वेंशन 2019 कहां संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ हरियाणा में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नरेंद्र मोदी वहां पे उपस्थित थे और उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं मुख्य अतिथि में जो है कि ये सम्मेलन आयोजित किया गया। ये थे फरवरी के द्वितीय सप्ताह के करंट अफेयर्स, जिसमें हमने कवर किया है 8 फरवरी से 15 फरवरी तक के क्वेश्चंस को। जल्द ही तीसरे सप्ताह के भी करंट अफेयर्स अपलोड हो जाएंगे और साथ ही साथ शुरू के 15 दिनों के टॉप 100 क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे हम। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। कल फिर कुछ नए टॉपिक्स और क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। वंदे मातरम।